विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की जो घटना हुई जैसे हुई वैसे ठीक है, ये घटना ऐसे हुई, एक्सेप्ट इट, क्योंकि स्वीकार में सुख है, आनंद है, अस्वीकार दुख है। तो पहले स्वीकार करके हम अपने दोनों हाथ खोल देते हैं। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी, सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूं ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है तो इंसान मैं निराश हूं, मैं चिंतित हूं ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है।
नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा, भासित होता है मगर है नहीं। ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले, ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है, ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य प्रेम, द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है, उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। चौथा तरीका अगर आप इस्तेमाल करते, दर्द होगा, दुख नहीं होगा। तो बंद मुट्ठी जो है वो चौथा रिस्पांस, ये जो उंगली है चौथी, ये क्या करती है, सभी को इकट्ठा करती है।
ये सभी को इकट्ठा करके रिस्पॉन्स दिलाती है। बंद है मुट्ठी तो लाक की, खुल गई तो खाक की। तो रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, सभी को मिलाकर हम आगे बढ़ सकते हैं क्या। चौथी उंगली जो है, इंडेक्स फिंगर जो है, तर्जनी जो है, अब कृष्ण का किरदार जानते हो महाभारत में, तो उनका प्रतिशत कैसा है कोई अनुमान लगा नहीं सकता। कहाँ कौन सा प्रतिशत, कहाँ अग्र, कहाँ रुककर, कहाँ झुककर, कहाँ सब्र, कोई अनुमान लगा नहीं सकता। तो चौथी उंगली देखोगे चक्र के लिए है। चौथी उंगली अंगूठे के साथ मिलाते तो ध्यान मुद्रा बनती है, सब्र का रिस्पॉन्स बनता है। ध्यान मुद्रा क्या है, सब्र का रिस्पॉन्स। जब हम इस उंगली में चक्र रखते हैं तो उग्र प्रतिसाद दुश्मनों के लिए उस तरह का शुरू होता है, सही ढंग से कैसे दुश्मनों को खत्म किया जाए। और इंडेक्स से हम दिखाते इशारा, यहां से जाओ, यहां गेट है। तो जब हम दिखाते हैं इशारा तो हम गाइड कर रहे हैं, ज्ञान का प्रतीक उंगली कि वो गाइड भी कर रही है, ज्ञान का प्रतीक भी है, ध्यान का प्रतीक। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो इस तरह बैठते हैं, मौन में बैठते हैं तो इस तरह बैठते हैं। तो कहां कौन सा प्रतिसाद देना चाहिए ये हमें बताता है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम स्टेबलाइज होने वाले हैं। जब हम अंतराल की साधना करते हैं, अंतराल की उपासना साधना करते हैं, जो लोग भी करते हैं वो जानते हैं कहाँ कौन सा प्रतिसाद दिया जाए, अब हमें समझ में आ रहा है, तो उनकी तरफ से सही रिस्पॉन्स जाने लगता है। लोगों से पूछा गया था कि तुम खाली समय में क्या करते हो, गुस्सा आता है तो क्या करते हो, ऐसे सवाल थे ना। लोगों को भी कई बार पता नहीं होता कि हम क्या करते हैं, किस मान्यता में रहते हैं। जब उनको मनन करने का मौका मिला तो अरे आगे ऐसा समय आए, खाली समय आए तो मुझे क्या करना चाहिए, गुस्से वाला समय आए तो मुझे क्या करना चाहिए, वो सोच पाएंगे, वरना हमेशा बेहोशी में ही जीते रहने वाले हैं। तो उस अंतराल में स्टेबलाइज होने के लिए पहले तो अवेयरनेस चाहिए, दूसरा एक्सेप्टेंस चाहिए। पहले तो जो जैसा है उसे स्वीकार कर पाए, जैसा है वैसा, जो घटना हुई जैसे हुई वैसे, ठीक है ये घटना ऐसे हुई, एक्सेप्ट इट। क्योंकि स्वीकार में सुख है, आनंद है, अस्वीकार दुख है। तो पहले स्वीकार करके हम अपने दोनों हाथ खोल देते हैं, दोनों हाथ खुल गए तो अब हम समस्या को सही ढंग से सुलझा सकते, चौथा प्रतिसाद दे सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह जब हम जाएंगे तो ही जो ताजमहल था जिसमें हम ये सारे कमरे देख रहे थे, हर दरवाजे के सामने अलग अलग प्रतिसाद दे रहे थे, वो ताजमहल तेज महल बन जाएगा। इस ताजमहल को तेज महल बनाना है अगर, तो समझना है कि कहां कौन सा प्रतिसाद दिया जाए। बीमारी सच्ची बीमारी है तो सच्चा इलाज किया जाए, झूठी बीमारी है तो झूठा इलाज किया जाए। जहां जिस चीज की आवश्यकता है वहां उस चीज को इस्तेमाल किया जाए। आपको बताया गया सबसे बड़ी आजादी कौन सी है, सबसे बड़ी आजादी है प्रतिसाद चुनाव की आजादी। क्या आप अपना रिस्पॉन्स चुन पाते हो क्या, कहाँ कौन सा प्रतिसाद दिया जाए, अगर आप चुन पाते हो तो आजाद हो, वरना आप चाहते हुए भी आप वही काम कर रहे हो जो मन करवा रहा है, मन के गुलाम होकर जो जी रहे हैं, तो कहाँ आजाद हुए। देश आजाद हो गया तो कहाँ आजादी मिली, आने जाने की सहूलियत मिल गई तो कहाँ आजाद हुए, क्योंकि मन से तो गुलाम ही रहे। एक ही ऐसा स्थान है जहाँ आजादी है, उस अंतराल में, वही अंतराल आजादी है, वही गैप आजादी है, वहां क्या है जरा देखे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया, आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।